हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं पारुल राणा आज आपके लिए लेके आई हूँ अमेजिंग सी प्रॉपर्टी। जैसे आपके लिए हर रोज़ आपके लिए एक न्यू प्रॉपर्टी के सेगमेंट्स लेके आती हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 BHK जो आपका रहने वाला है 900 स्क्वायर फीट एरिया के साथ। अगर मैं बात करती हूँ सोसाइटी के, गेटी टाउनशिप आपकी रहेगी, S+3 का कॉन्सेप्ट है विद लिफ्ट के साथ, एंड स्टोर का प्रोविज़न आपका स्टिल्ट में ही रहेगा विद पार्किंग आपका जो स्टिल्ट में एरिया आ जाएगा। एंड अगर मैं बात करती हूँ आपकी सोसाइटी की, तो इसमें आप देख सकते 40 फीट वाइड आपका यहाँ पे रोड रहने वाला है। इसके अलावा जो है गेटी टाउनशिप आ जाएगी, ऑन रोड जो है प्रोजेक्ट आ जाएगा आपका पटियाला रोड की, इसकी लोकेशन है एग्जैक्ट। एंड अगर मैं बात करती हूँ ऑन रोड से डिस्टेंस, तो 100 मीटर की डिस्टेंस पे आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एंटर किया, ये जो आपकी एंट्रेंस आ जाएगी कुछ इस तरीके से विद मैश डोर के साथ आपकी एंट्रेंस आ जाएगी। एंड जो लिफ्ट एंड स्टेयरकेस का एरिया वो बिल्कुल साथ में आपका रहने वाला है। अगर डोर की बात करूँ तो आप डोर को देख सकते हैं, मतलब काफ़ी हैवी मटीरियल जो है डोर का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, राइट। एंड लॉक जो है, लॉक का प्रोविज़न भी काफ़ी अच्छा है, मतलब मटेरियल की अगर मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इंडिपेंडेंट हाउस की बात करती हूँ, तो इस फ्लैट को देख के आपको इंडिपेंडेंट हाउस का ही फील होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस जो है वो अनलिमिटेड स्पेस है, मतलब बहुत अच्छी स्पेस हमें एक 3 BHK के फ्लैट में मिल रही है यार। तो आ जाते हैं अब हम अपने सेगमेंट की तरफ। यहाँ पर आ जाता है आपका मंदिर या फिर बार काउंटर भी, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं इस एरिया को। यहाँ पे आपको जो है वार्डरोब्स भी मिल रही हैं, अपना एक्स्ट्रा सामान जो है वो आप यहाँ पे रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका देखिए एल शेप में आ जाता है आपका लिविंग एरिया, मतलब लगाया हुआ है इन्होंने सोफा सेट। आप उसके अलावा भी जो है हमें यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल रहा है, एक सेपरेट जो है वो आपका लिविंग एरिया का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिकॉज एक फ्लैट में नहीं तो लिविंग एंड डाइनिंग ऑलमोस्ट इकट्ठे होते हैं, पता नहीं लगता कौन सा लिविंग है कौन सा डाइनिंग है। एंड अगर मैं बात करती हूँ आपकी फॉल सीलिंग की, तो आपकी फॉल सीलिंग इसमें एज इट इज़ रहने वाली है। एंड यहाँ से जो है वो आपका बेल्कनी का एरिया आ जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा पहले, जो मैंने डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में जो आपको एक्सप्लेन किया है वो इसी बेल्कनी में ही खड़े होके किया है, तो आप बेल्कनी साइज एक अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से जैसे मैं आगे मूव करती हूँ, तो यहाँ पर आपका आ जाता है एक स्पेस जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग या डेकोरेशन का आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर अगर आपने वॉल यहाँ पे लगानी है एक किचन को ये सेपरेट करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये आपका जो कंपनी आपको प्रोवाइड करके दे रही है यहाँ पे सिंक, एंड इसके सामने मैं देख पा रही हूँ कि हमें एक ना डाइनिंग एरिया मिल रहा है, जिसका साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ यहाँ पर एक सेपरेट डाइनिंग एरिया आ जाता है। एंड फॉल सीलिंग आपकी इसमें एज इट इज़ रहेगी, बहुत ही काफ़ी स्पेशियस, मतलब आपको भी लग रहा होगा देखने से कि एक इंडिपेंडेंट हाउस वाला फील हो रहा है यार, इतने बड़े बड़े कमरे हैं, लिविंग एरिया इतना बड़ा है, डाइनिंग एरिया इतना बड़ा है। तो आइए अब चलते किचन की तरफ। तो किचन जो है वो आपका कुछ इस तरीके से रहने वाला है, इसमें आपको प्रॉपर जो है वार्डरोब्स मिल रही हैं, राइट। इसमें आपके जो है RO की फिटिंग आ जाएगी, यहाँ पे आपका ओवन का जो है कनेक्शन आ जाएगा, वायरिंग भी यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं, राइट। एंड कटलरी एरिया आपका यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन के। आपके स्विचेस की अगर मैं बात करूँ, गोल्ड मेडल के आपके स्विचेस यहाँ पर आ जाएंगे, वेट एंड ड्राई एरिया आ जाएगा सारा के, आपकी फिटिंग आ जाएगी। इसमें आपको डबल सिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको। तो पहले हम देखते हैं अब फर्स्ट वाले बेडरूम, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने अपने फर्स्ट बेडरूम में एंटर किया है,
स्पेस की अगर बात करूँ, काफ़ी स्पेशियस जो है यहाँ का भी स्पेस हमें मिल रहा है। इसके साथ ही आपका जो फ्रंट की जो बेल्कनी है इस रूम के साथ भी आपकी अटैच रहेगी। एंड वॉशरूम की बात करती हूँ तो वॉशरूम का साइज भी यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम आपके सेरा के फिटिंग्स आ जाएंगी, फुल हाइट आपके जो है ये टाइल वर्क आ जाएगा। कंपनी ये भी आपको प्रोवाइड करी है, वैनिटी भी आपको प्रोवाइड करी है। मतलब जहाँ तक मैं मुझे लग रहा है कि इसके जो डोर हैं, डोर मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक जैसे इंडिपेंडेंट हाउस में हमें डोर प्रोवाइड होते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ के वार्डरोब की, तो आपकी वार्डरोब जो है वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। काफ़ी अच्छा स्पेस हमें यहाँ पे वार्डरोब का मिला, स्लाइडिंग वार्डरोब्स आ जाएंगी। एंड आपका ये जो है एरिया आ जाता है आपका शू रैक के लिए, राइट। फॉल सीलिंग आपकी एज इट इज आ जाएगी। साइज आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज हमें यहाँ पे बेडरूम का मिल रहा है, राइट। तो आप मतलब मेरे साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे हमने डाइनिंग एरिया क्रॉस किया, तो आई थिंक ये हमारा सेकेंड रूम आ जाता है। तो सेकेंड रूम हम एंटर करते हैं तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिज़ाइन किया। वॉल पेपर जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल सॉफ्ट सा वॉल पेपर आपका यहाँ पे आ जाता है। किंग साइज का बेड है, उसके अलावा भी स्पेस बहुत है हमारे पास यार। तो अब इसके वॉशरूम की अगर मैं बात करती हूँ तो वॉशरूम में भी आपको सारा की फिटिंग है। साइज काफ़ी अच्छा है वॉशरूम का यार। एक वेंटिलेशन भी है यहाँ पे, वेंटिलेशन विंडो आ जाती है आपकी। जैसे कि मैंने पहले बताया गोल्ड मेडल के स्विचेस आ जाते हैं, ठीक है। आपको एसी की वायरिंग यहाँ पे मिल रही है, राइट। फॉल सीलिंग एज इट इज मिल रही है आपको। ये हमारा हो गया सेकेंड रूम। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम है ये। तो जो हमारा थर्ड बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम है वो हम एंटर कर चुके हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे फर्स्टली हमारा आ जाता है ड्रेसिंग एरिया, जो एक लेडीज़ के लिए मेन अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, तो वो भी हमें यहाँ पे एक मिल रहा है। यहाँ का जो है स्पेस वो हम लेडीज जानते हैं कि कितने अच्छे से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमारे वार्डरोब की बात करूँ तो यहाँ पे आपके आ जाती है वार्डरोब, जिसका साइज़ अगर मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा साइज़ है। इसके ऊपर भी हमें एक्स्ट्रा वार्डरोब मिल रही है एंड वहाँ पे मतलब उसको भी हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिल रही है इसमें। बेडरूम साइज वुडन फ्लोरिंग आ जाएगी आपकी। एंड बात करते हूँ साइज़ की, अब बेड देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। स्पेस अगर नोट करना हो तो इसके एरिया से कि किंग साइज़ का बेड है, दोनों साइड आपको जो है वो टेबल भी मिल रहा है। तो टेबल के साथ में स्पेस आपको, उसके अलावा भी कितनी स्पेस हमें यहाँ पे मिल रही है, जो एक अच्छा साइज़ जिसे हम बोलते हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करते हैं यहाँ के एरिया की तो 1900 स्क्वायर फिट में हमारा ये 3 BHK है, अफोर्डेबल कॉस्ट में है हमें यहाँ पे मिल रहा। तो ये आ जाता है यहाँ का वॉशरूम। तो वॉशरूम आप मतलब आपने तीनों रूम्स के वॉशरूम देखे हैं, तीनों रूम के वॉशरूम के साइज़ अगर मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा साइज़ हमें यहाँ पे वॉशरूम में भी मिल रहा है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। अगर बात करती हूँ मैं आपसे गीज़र पॉइंट की, बैक साइड पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारी आ जाती है मेश डोर, यहाँ पे आज हमें मिलता है। मतलब मेश डोर तो हमें हर एक रूम के साथ प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके गीज़र की जो है वो गीज़र का स्विच, गीज़र का पॉइंट आ जाएंगे आपके। यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन या फिर अपने अकॉर्डिंग इसी एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ समटाइम में अगर छोटा सा एक गार्डन टाइप में पैच आप बना सकते हैं, बिकॉज ये आपको बोथ साइड ओपन फ्लैट मिल रहा है। एंड अगर मैं बात करते हैं इस फ्लैट की तो यूटिलिटी एरिया भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। एंड वेंटिलेशन जो है एक मेन घर का अट्रैक्टिव पॉइंट होता है कि यार घर जहाँ पे भी लें हम, बस वहाँ पे वेंटिलेशन की दिक्कत ना हो। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अफोर्डेबल सेगमेंट है, S+3 का है, विद लिफ्ट है, कार पार्किंग आपके आ जाती है, ऑन रोड प्रोजेक्ट है आपका, स्कूल नियर है, हॉस्पिटल नियर है आपका, एंड मार्केट नियर है। तो और क्या चाहिए, जल्दी ही फिर ऐसा कीजिए, दिए गए नंबर्स हैं हमारे, दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए एंड अपने जो घर है अपना बुक करवाइए इसे जल्दी से जल्दी। लिमिटेड ही यूनिट्स हमारे पास इसमें लेफ्ट हैं एंड
हाँ ये जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते।